कहते हैं प्यार में कोई सीमा नहीं होती, ना तो वो धर्म और जाति देखता है और ना ही सरहद की दूरियां। ऐसा ही एक प्रेमी जोड़े ने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके देवघर के बाबा मंदिर में अनोखी शादी रचाई। इस शादी में वर पक्ष लंदन के रहने वाले हैं और वधु पक्ष भारत के। लंदन में ही वर सैम और वधु जेना की दोस्ती हुई और उन्होंने शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया। इनके फैसले को परिवारों का सहयोग मिला और दोनों पक्षों ने भारतीय रीति रिवाज के साथ बाबा भोलेनाथ के सामने उनकी शादी करवाई। बाबा मंदिर में इस अनोखी शादी के गवाह खुद भोलेनाथ सहित सैकड़ों लोग बने। बता दें कि जेना वत्स का जन्म बिहार के कलंग गांव में हुआ था, लेकिन बाद में इनका पूरा परिवार यूपी गाजियाबाद के वैशाली में रहने लगा। जेना 7 साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई और फिर नौकरी करने लंदन गई थी। इसी दौरान एक टेलीकॉम कंपनी में नौकरी करते हुए वो लंदन के निवासी सैम से मिली। उनकी दोस्ती हुई और ये दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। सैम लंदन में जर्नलिस्ट के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इन्होंने 2 साल पहले ही भारत की जेना से शादी का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना की वजह से इनकी शादी टलती रही, क्योंकि दोनों ने भारतीय रीति रिवाज से ही शादी करने की ठानी थी। वहीं कोरोना की पाबंदियां कम होते ही दोनों ही इंडिया पहुंचे और देवघर में हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। शादी में वर पक्ष यानी सैम की शादी का हिस्सा बनने लंदन से उनकी माँ, पिता, बहन और दोस्त पहुंचे थे। शादी संपन्न होते ही सैम ने कहा कि वो देवघर में शादी करके कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड हैं। वहीं जेना का कहना है कि बाबा के सामने शादी करके वो बहुत खुश हैं। क्या लेकर आए पूरे यूके रेडिंग से यहाँ के शादी में? तो बाबा मंदिर में आकर आपने कैसा लग रहा है यहाँ पे पूजा पाठ? अच्छा, एकदम बहुत सही लग रहा है एकदम, और शाम में आके तो और ही एकदम मजा से खुश हैं। कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड मैरिड इंडियन। In some ways there are similarities and in some ways I could be on a different planet. Happy, are you happy? Thank you very much. Very happy. I mean, very happy. Fly around the earth with my wings. शादी करवाने वाले पंडा का कहना है कि अंग्रेज होकर सनातन धर्म को अपनाना और पूरी रीति रिवाज से शादी करना एक बहुत बड़ी बात है। तो वहीं दुल्हन के पिता भी शादी से बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के खुशी में ही उनकी खुशी छुपी है। अपने यजमान की बच्ची का एक फॉरेनर लड़का से शादी करवा रहे हैं, जो कि दोनों फॉरेन में लंदन में रहती है। सुबह आए उसके पेरेंट्स आए मेरे पास कि मेरी लड़की की शादी मंदिर में होना है, आप उसका अरेंज कीजिए और शादी करवाइए। तो हम चूँकि तिरपुरोहित हैं लखपुरा के और लखपुरा की बच्ची है, तो हम सब कुछ अरेंज करके रखे हुए। हमको बड़ी खुशी हो रही है ये कि एक फॉरनर लड़का होकर के हमारे सनातन धर्म को मान करके मंदिर में बैठ करके शादी करने के लिए तैयार है। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये मेरा सबसे बड़ा कमाई है। क्या कहेंगे, लड़की जिसमें हमारी खुश है, हमारी खुशी खुशी हम खुश हैं। यहाँ करने का मेन लड़की का ननिहाल यहाँ पर है, और लड़की और किसी जगह के नाम से नहीं मानी, यहीं के नाम से मानी है, बाबा बैद्यनाथ के नाम से। दूसरा, ये शादी 2 साल पहले से होने वाली थी, कोरोना की वजह से वीजा वीजा की प्रॉब्लम के चलते टल रहा था, इसलिए ये शादी 2 साल बाद हुई। अंत भला तो सब भला, ये अनोखी शादी तो खुशी खुशी हो गई और परिवार के सहयोग ने इस शादी को सफल भी बनाया। इसी खुशी के साथ शादी की रिसेप्शन पार्टी में लंदन से आए सभी लोग बॉलीवुड गानों पर मजे से नाचते और झूमते नजर आए।